गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? और आपका रिवीजन कैसे चल रहा है? अच्छा ना, गुड। तो आइए आज हम पुनरावृत्ति संख्या 10 में दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बित्तो किसकी बीवी का नाम था? जैसा कि आपने बहादुर बित्तो नामक पाठ में पढ़ा है कि बित्तो किसान की बीवी का नाम था, तो हमारा सही विकल्प होगा किसान की। शेर ने किसान से क्या मांगा था? तो बच्चों, शेर ने किसान से क्या मांगा था? बैल। तो हमारा सही विकल्प होगा बैल। किसान ने कहाँ जाकर गाय लाने की बात की थी? तो बच्चों, जैसा कि आपने बहादुर बित्तो नामक पाठ में पढ़ा है कि जब किसान से शेर बैल मांगता है तो किसान क्या कहता है कि मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। तो कहाँ जाकर गाय लाने की बात की थी? घर। तो हमारा सही विकल्प होगा घर। शेर के पास जाने के लिए बित्तो ने सिर पर क्या बांधा? जाने के लिए बित्तो ने सिर पर पगड़ बांधा। तो हमारा सही विकल्प होगा पगड़। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान की पत्नी का क्या नाम था? तो बच्चों, किसान की पत्नी का नाम क्या था? किसान की पत्नी का नाम बित्तो था। किसान को बित्तो ने क्यों फटकारा? फटकारा यानी डांटा। तो किसान की पत्नी बित्तो ने किसान को क्यों फटकारा था? पता है ना? जब किसान ने यह कहा कि मैं घर जाकर अपनी गाय लाकर आपको दे दूंगा, शेर से कहा था कि नहीं कहा था, तब किसान की पत्नी बित्तो ने उसे फटकारा था। तो हमारा उत्तर होगा, किसान को बित्तो ने इसलिए फटकारा क्योंकि किसान ने शेर को घर की गाय देने की बात कही थी। हमारा अगला प्रश्न है, भेड़िए ने शेर को क्या बताया? तो शेर को भेड़िए ने क्या बताया था, पता है ना आपको? तो इसका उत्तर होगा, भेड़िए ने शेर से कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आइए अब हम पुनरावृत्ति संख्या 11 में दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। बादल हमें धूप देता है। तो बच्चों, बादल हमें धूप देता है? नहीं ना, धूप तो हमें सूर्य देता है। तो यहाँ हम किसका निशान लगाएंगे? गलत का। भैया बच्चों की स्वतंत्रता नहीं छीनते हैं। छीनते हैं ना कि नहीं छीनते हैं? छीनते हैं, क्योंकि भैया दीदी जो घर में होते हैं वो मना करते हैं, नहीं करते हैं बच्चों को, ये मत करो, वह मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। सबके साथ साथ बच्चों पर अम्मा का भी शासन चलता है। तो बच्चों, घर में भैया दीदी दादी के साथ साथ अम्मा का भी शासन चलता, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। बच्चे बंधन में नहीं जीना चाहते। तो यहाँ किसका निशान लगेगा? बच्चे बंधन में रहना चाहते हैं, नहीं ना? तो यहाँ हम सही का निशान। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हवा को किस बात की स्वतंत्रता है? तो बच्चों, पता है ना आपको, हवा किसके लिए स्वतंत्र है? कि हवा कहीं भी जा सकती है। तो हमारा उत्तर होगा, हवा को हर जगह जाने की स्वतंत्रता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य को क्या करने के लिए मना नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर क्या होगा?
सूर्य को धूप फैलाने के लिए मना नहीं किया जा सकता। बताइए, कोई रोक सकता है सूर्य को कि आप आज धूप ना करिए? नहीं ना। तो हमारा उत्तर है, सूर्य को धूप फैलाने के लिए मना नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, पापा बच्चों को किस बात के लिए खबरदार करते हैं? जैसा कि आपने कविता में पढ़ा ही होगा कि पापा बच्चों को कहते हैं कि बाहर ही खेलो, अंदर ना आओ, तो इसका उत्तर क्या होगा? पापा बच्चों को अंदर आने के लिए खबरदार करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले रिवीजन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।